जो स्त्री एक मां न बनने का फैसला करती हैं, तो आप अरे मैं उनको अवॉर्ड दूंगा तो उन्होंने आपको वकील चुना है और आपको हुँ? उनका केस लड़ना है तो आप क्या माफ कीजिए मुझे सुनाई नहीं दिया एक स्त्री है और हाँ, वो बच्चे वो बच्चे नहीं चाहती, चाहती। और उन्होंने आपको वकील चुना है और आपको उनका केस लड़ना है तो आप ऐसी स्त्री के पक्ष में क्या कहेंगे जो बच्चे नहीं पैदा करना चाहती मैंने कहा उन्हें सम्मानित करना चाहिए मैं भारत में घोषणा कर चुका युवा स्त्रियां जो बच्चा पैदा कर सकती हैं और न पैदा करने का फैसला करती हैं हम उन्हें अवार्ड देना शुरू करेंगे क्योंकि इस समय आप दुनिया की जो सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं वो है इस दुनिया की आबादी को और न बढ़ाना ठीक है अगर मान लीजिए आप एक शेरनी होती मेरा मतलब है एक फीमेल टाइगर तो मैं आपको प्रोत्साहित करता प्लीज बच्चे पैदा कीजिए क्योंकि वो प्रजाति खतरे में है आप जानते हैं देखिए हम खतरे में नहीं है आप जहां भी जाएं वहां भीड़ मिलेगी देश को बचाने के लिए दीवार बनानी पड़ती है वरना लोग घुस आएंगे पहले से ही कितनी ज्यादा पहले से ही हर जगह बहुत ज्यादा आबादी है है ना? तो यह ऐसी चीज है जिसे बहुत बुनियादी तरीके से देखा जाना चाहिए यह इसलिए हो रहा है क्योंकि यह जरूरत यह जरूरत अंदर मौजूद है बच्चे पैदा करना हमारी एक स्वाभाविक जरूरत है जो भी तर्क कोई दे एक समय पर शरीर आदेश देता है शुक्र है इसमें बहुत दर्द वगैरह शामिल है वरना पता नहीं क्या होता तो इस जरूरत से परे अगर किसी को जाना है तो इसे जबरदस्ती अनदेखा करने के बजाय अगर आपकी पहचान स्वाभाविक रूप से आपके शरीर से परे चले जाए तो आप देखेंगे कि ये जरूरतें बिल्कुल गायब हो जाएंगी फिलहाल मैं चाहता हूं कि लोग ये समझें एक बच्चा आपकी जरूरत नहीं है आपकी जरूरत है भागीदारी फिलहाल आपकी समस्या यह है कि आप लोगों के साथ भागीदारी तब तक नहीं दिखा सकते जब तक कि वे आपके शरीर से न जन्मे हों। आपकी शरीर के रूप में पहचान इतनी मजबूत है कि आप इन्हें अपना मानकर खुद में शामिल नहीं कर पाते अरे ये मेरे शरीर से जन्मा है ये मेरा है वो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने ही शरीर में फंसे वजह बस यही है उसे आपके ही शरीर से जन्म क्यों लेना चाहिए जरूरी नहीं है इंसानों की क्षमता इससे ज्यादा है ये पशु प्रकृति है ये प्रकृति प्रजाति के कायम रखने के लिए बिल्कुल जरूरी है now, लेकिन अब प्रजाति का कायम रहना जागरूक होकर आबादी को थोड़ा कंट्रोल करने पर निर्भर है बीसवीं सदी की शुरुआत में 1910 में हमारी आबादी बस एक करोड़ थी मान लीजिए 160 करोड़ अब हम 760 करोड़ हैं वर्ष 2050 तक अनुमान है हम 1030 करोड़ हो जाएंगे जब हम 1030 करोड़ हो जाएंगे तो मैं यहां नहीं रहना चाहता हेलो मैं चाहता हूं कि आप कल्पना कीजिए दुनिया की आबादी का 50 प्रतिशत बढ़ना आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी समस्याएं आएंगी हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे बच्चे इस धरती पर अच्छे से नहीं जी पाएंगे ज्यादा बच्चे पैदा करके यह बहुत ज्यादा जरूरी है हमें समझना चाहिए कि इसकी वजह सिर्फ बेलगाम बच्चे पैदा करना नहीं है नहीं ऐसा नहीं है उसे कंट्रोल किया गया है यह बस इसलिए है क्योंकि हमारा अनुमानित जीवन काल बढ़ रहा है जो अद्भुत है उदाहरण के लिए भारत में जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए हमारा अनुमानित जीवन काल अट्ठाईस साल था आप में से कितनों की उम्र अट्ठाईस से ज्यादा है आप सभी मर चुके होते इसका मतलब था मैं चाहता हूं कि आप समझें अट्ठाईस साल आज ये सत्तर साल हो गई है ये सत्तर साल की आजादी में एक जबरदस्त उपलब्धि है तो जब हमने मृत्यु अपने हाथ में ले ली है तो क्या हमें जन्म भी अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए मैं कोई सिद्धांत नहीं बता रहा मैं आसान से गणित की बात कर रहा हूं हेलो जब हम मृत्यु को अपने हाथ में ले लेते हैं तो क्या हमें जन्म को भी अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए अगर हम ऐसा नहीं करते अगर हम जागरूक होकर अपनी आबादी को कंट्रोल नहीं करते तो प्रकृति इसे बहुत ही क्रूर तरीके से करेगी अगर आप उस दिन का इंतजार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं पर हम इंसान हैं इसलिए यह अच्छा होगा कि इसे जागरूक होकर करें है ना